आपको मिर्जापुर घुमाता है, बैठ जाइए। वेरी हेल्दी। मिर्जापुर में आपका स्वागत है। Founded in the 17th century, Mirzapur is located in the southern region of Uttar Pradesh. By the 18th century, Mirzapur had become a prominent trading center in the northern India. Apart from its commercial significance, Mirzapur famous hai apne historical sites, waterfalls and the Vidyanchal Dham. Aur har saal yaha hazaro tourists aate hai. Yaha pahunchna काफी आसान है। The nearest airport is in Varanasi and the city is accessible via railway and roadway as well. बहुत लोगों को ये सिटी मिर्जापुर के बारे में नहीं पता था until the recent web series Mirzapur. But Mirzapur as a city is filled with so much more richness than what has been shown in the web series. जैसे बहुत सारे religious, historical और scenic places hai yahi pe, and today we will discover all of them, so let's go. Hamara sabse pehla stop hai Chunar Fort. Built in the 17th century, Chunar Fort Mirzapur ka ek historic fort hai, situated by the banks of river Ganga. Ye built kiya gaya tha by Maharaja Vikramaditya, the king of Ujjain, for his brother. Aur mere hisab se architecture to bahut hi khoobsurat hai na. Ye fort spread hua hai around 34,000 square feet and it stands strong on a rocky part of the Vindhya range. Ye fort ke walls are made up of red sandstone aur is pe beautiful carvings bhi kiya gaya hai. Yaha kafi rulers rahe hai, like Humayun, Akbar and Aurangzeb. And later, this fort served as a British prison. Mirzapur aur is Vindh mandal mein pura. यहाँ पर आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यूपी में हमारे एक से एक टूरिस्ट प्लेस हैं, जिसमें से विंध्याचल मंदिर जो माता जी के नाम पर है, देवी माँ के नाम पर है। लहुरी काशी इसलिए कहा जाता है कि एक गीत है मिर्जापुर के बारे में जो किसी कवि ने लिखा है, मुझे उनका नाम तो नहीं याद है। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलम, जो कचौड़ी गली बनारस में है वहाँ की एक कहानी है कि उनके बलम जो है मिर्जापुर चले आते हैं। तो एक ये जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही शानदार है। चुनार अपनी पॉटरी के लिए बहुत फेमस है एंड आफ्टर विजिटिंग द ब्यूटिफुल फोर्ट आई हैव कम हियर टू सी इफ मे बी देयर समथिंग आई वांट टू टेक विद मी बैक होम टू मुंबई। मैंने इसको फाइनल कर दिया बिकॉज आई थिंक बहुत प्यारा है और मैंने एक ये भी ले लिया। सो दीज टू थिंग्स आई एम टेकिंग विद मी होम टू मुंबई एज मेमोरीज। ये विंध्य
कदम फॉल है और ये मिर्ज़ापुर का एक बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है। खूबसूरत तो है बहुत। लिट्टी चोखा है ना ये? मतलब यहाँ आके लिट्टी चोखा भी मिलेगा, खुद का खाना भी बना सकता है ना अगर चाहिए तो। हाँ, यहाँ आके हाँ खुद का खाना भी बना सकते हो अगर चाहिए तो, एकदम मतलब पिकनिक की जैसा। लेकिन जाने से पहले साफ रखना है कि नहीं? आप भी साफ रखते हो ना? हाँ करेक्ट, नेचर को गंदा नहीं करना चाहिए ना। I'm at the carpet city of India. ये है बदोही कार्पेट सिटी और यहाँ की हैंड वूवन कार्पेट्स एंड रग्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाता है। ये है आइडियल कार्पेट फैक्ट्री और जिन्होंने मिर्ज़ापुर सीरीज देखी होगी I am sure you guys can relate to this place. Wow, oh my god, there are butterflies. Ek butterfly wala carpet. So pretty. But ye dekho. Oh my god, this is so beautiful. Main touch kar sakta hu? Idhar se? Ye kya hai ye? वूल है? हाँ वूल है ना? हाँ, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। दिस इज सच एन आर्ट, मतलब सोचो कितना पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है टू बी एबल टू क्रिएट वन कार्पेट। इट्स अमेजिंग। ये कारपेट का काम यहाँ पर 1989 में एक ब्रिटिश लेडी थी, उन्होंने एक कंपनी खोली थी ईहिल एंड को। उन्होंने अपने साथ कुछ वर्कर्स लेके आए थे ईरान से, जिन्होंने कारपेट यहाँ पर बिनना सिखाया सबको। और आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया देन मैनी पीपल स्टार्टेड देयर ओन वर्क एंड स्टार्टेड वीविंग द कारपेट्स एंड स्लोली स्लोली यहाँ पर ये कारपेट का बहुत बड़ा हब बन गया और उसके बाद लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक टाइम पे यूपी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जनरेट करने वाली ये इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज हम लोग अभी भी कारपेट बनाते हैं, मेरी ये थर्ड जनरेशन है। वी आर प्रोड्यूसिंग दिस कारपेट्स फ्रॉम 1976। आने वाले जो जनरेशन है वो इस काम को सीखना नहीं चाहती है और आने वाले जो लेबर्स हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये डाइंग आर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। और इसको बढ़ाने के लिए सरकार से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको किया जाए। यूपी सरकार के जो एफर्ट्स हैं उसके वजह से कुछ आईआईसीटी में एक इंस्टीट्यूट है जहां पर कारपेट को सिखाया जाता है और चीज़ें करी जाती है, यहां तक कि महिलाओं को भी सिखाया जाता है। यूपी सरकार ने एक स्कीम और निकाली थी जिसमें आप महिलाओं को प्रोत्साहित करिए कि जो कि ये कारपेट बिने और उनको भी एक रोज़गार मिले। अब मैं जा रहा हूँ टू द वेयर हाउस जहाँ पर ये कार्पेट स्टोर किया जाता है। ये नेचुरल यार्न डाइड है, इसको डाई करते हैं हम लोग पोमोग्रेनेट रोज़ पेटल और ये तरीके के मटेरियल से, तो इसमें कोई भी एलर्जी या कोई भी उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। केमिकल डाइज नहीं यूज़ होते हैं इसमें। और ये जो कारपेट है ये बनने में
चार से पाँच महीने लगते हैं इसको, और ये हाथ से बनता है, एक एक टपका बीना जाता है एंड मतलब? एक एक टपका बीना जाता है, एक एक नॉट बीना जाता है इसका। आप देखेंगे पीछे भी एक एक नॉट है इसमें, जी, जी, जी। वो वीव किया जाता है, एक एक नॉट वीव करता है वीवर। मैं भी खरीदूंगी एक। श्योर। बचपन से मैं ट्रीज़ को हग करती हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे वो सिखाया। तो वहाँ पे जो हम रहते हैं ना, वहाँ पे फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा पेड़ है, और मेरी मॉम ने मुझे बचपन से मुझे सिखाया कि इस पेड़ को आप हग करो एक माँ की तरह। तो बचपन से मैं वो ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मैं वो पेड़ को ऐसे मानती हूँ कि वो भी मेरी माँ है। कालीकोट टेम्पल, और ये टेम्पल 5000 साल पुराना है। आई लव दैट आई एम गेटिंग टू विजिट सो मेनी माता टेम्पल्स ड्यूरिंग माई दिस ट्रैवल शो इंडिया विद एली। ओम चंद्रमा मनो जाहर। माता मार काली जो है रक्तबीज राक्षस का वध करने वाली माँ है। यहाँ पर जो माँ है विराजमान है, श्री रूप में माँ यहाँ पर विराजमान है, और माता रानी जो है यहाँ पे काली को जो है आप हर जगह देखते होंगे कि माँ का महाकाली का जो है कि जीव निकला हुआ है, लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड में अभी आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का और ऐसा है आपको मूर्ति कहीं देखने को मिलेगा नहीं। यह महाकाली का जो है रूप और माँ का जो मुख खुला है वो आकाश की तरफ खुला हुआ है, इसलिए इनको माँ महाकाली बोला जाता है। काली खो के नाम से यह जो मंदिर है फेमस है, और इन मंदिर का जो है ये अनंत रूप से है, इनका कोई वो नहीं। माता स्वयं यहाँ पर आकर रक्तबीज का वध करने के बाद यहाँ पर आकर इसी तरह से माँ ने यहाँ पे विराजमान होकर श्री अंत में यहाँ पे स्थापित है। घरों घरों में आप देखते हैं जो भी पूजा पाठ होती है तो श्री यंत्र का होता है। यह श्री यंत्र जो है हमारे माँ विंध्यवासिनी के धाम से ही और इन्हीं के रूप में यहाँ से हर चीज़ों का उत्पत्ति हुआ है, और यहीं से हर चीज़ों को माना गया है। इसीलिए माँ विंध्यवासिनी माँ महाकाली और अष्टभुजा का जो है यहाँ पर त्रिकोण रूप में वहाँ बसी हुई है। कोई भी कार्य अगर हमको करना होगा या कोई भी शुभ कार्य अगर हमको करना होगा, माता माँ विंध्यवासिनी का और माँ महाकाली का और माँ अष्टभुजा का जब तक पूर्ण रूप से आप दर्शन नहीं करेंगे त्रिकोण रूप में, तब तक आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। धन्यवाद। तो क्या क्या डाल देते हो आप इसमें? मूली का पत्ता, हरा धनिया है, टमाटर है, मिर्चा रहेगा इसमें, जीरा, धनिया, चाट मसाला। लाल मिर्ची मत दे दो। नहीं पड़ेगा। नहीं, लाल मिर्ची नहीं चाहिए, बस कम 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 नमक, सफेद नमक और मिर्ची भी नहीं चाहिए मुझे। मैं स्पाइसी नहीं खा सकती हूँ इसलिए। बस बस बस। तो थैंक यू। ये कौन सा लीफ है, कौन सा पत्ती है? आम का पत्ती है ये। आम का पत्ती? हाँ। जो मतलब स्पून के जैसा आप देते हो? वाओ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज सो नाइस, दिस इज सो स्मार्ट, यू नो, थिंकिंग अबाउट मदर नेचर, द एनवायरनमेंट, एंड लाइक ये मतलब बिल्कुल करेक्ट है, सही है, क्यों नहीं। वाओ, ये आइडिया अच्छा रखा आपने, वेरी गुड। पड़ता नहीं अच्छी। हाँ, ये चीज नेचुरल रहता है ना। हाँ करेक्ट, नेचुरल रहता है ये, सही है, बिल्कुल सही है। चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ।
वेरी हेल्दी हेल्दी ऑप्शन. विंध्याचल इज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इन मिर्जापुर. एज पर द मिथोलॉजी विंध्याचल धाम काली माँ का घर है और यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं. सो लेट्स गो अराउंड एंड एक्सप्लोर दिस रिलीजियस प्लेस. ये है विंध्यावासिनी टेम्पल एंड विंध्यावासिनी देवी लिटरली मीन्स द देवी लिव्स इन विंध्या. जहाँ जहाँ सती की बॉडी पार्ट्स गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने हैं. और विंध्याचल में एक ऐसा शक्तिपीठ है वेयर देवी सती हैज चोजन टू रिसाइड आफ्टर बर्थ. जय माँ विंध्यवासिनी. इस समय आप माँ विंध्यवासिनी सिद्ध पीठ पे खड़े हैं. आपने 51 शक्ति पीठ के बारे में सुना है. यह पूरे विश्व का एकमात्र सिद्ध पीठ स्थान होता है. 51 शक्ति पीठों में माता के सती के एक एक अंगों का विवरण मिलता है और यह उनसे भी पहले का सिद्ध पीठ स्थान है जहाँ माता सती पूरे शरीर से विराजमान है. उनके हर एक अंग और आठों भुजाओं के साथ वो मौजूद हैं. शेर पे सवार बैठी हुई हैं माता और हाथ में कमल लिए हुए भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब उनको सृष्टि की संचालन की जरूरत के लिए शक्ति की आवश्यकता हुई है तो उन्होंने सृष्टि की संचालन के लिए माता के पास ही आए हैं और आराधना किए हैं और माता से शक्ति प्राप्त करके अपने कार्यों का संचालन किए हुए हैं. पूरे ब्रह्मांड की जो मूल आदि शक्ति, आदि मतलब आप समझ रहे हैं, जो आदि शक्ति है वह स्थान यही विंध्याचल पर्वत पे विराजमान माँ विंध्यवासिनी का सिद्ध पीठ स्थान है. और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि विंध्याचल पर्वत का नाम आपने बहुत सुना है पर इसके महत्व के बारे में दो लाइन आपको बताना है. एक समय की बात है जब विंध्याचल पर्वत और हिमालय आपस में कंपटीशन किए हुए थे कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा कि तुम बड़े. तो विंध्याचल पर्वत ने ब्रह्मा की तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जितनी तपस्या करोगे उतनी ऊंचाई आपकी बढ़ेगी. और ये अहंकार में चूर होकर तपस्या करते गए और ऊँचाई पाते गए, बढ़ते गए बढ़ते गए. एक समय ऐसा आया कि धरती पे सूर्य की रोशनी को आने से इन्होंने रोक दिया और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा कि अब तो सृष्टि पूरी समाप्त हो जाएगी. तो सारे देवता जो है हैरान परेशान होकर विंध्याचल पर्वत के जो गुरु थे अगस्त मुनि उनके पास गए और कहे गुरुदेव अब आप ही कुछ निवारण करिए वरना तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी. विंध्याचल पर्वत अपने अहंकार में चूर हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं. तो बोले ठीक है हम कुछ करते हैं. फिर गुरु जी गए अपने शिष्य से मिलने तो गुरु शिष्य की परंपरा होती है, गुरु को देखते ही शिष्य विंध्याचल पर्वत पैर पे लेट के दंडवत किए और जमीन पे लेट गए. तो उनके गुरु जी ने कहा वत्स तुम ऐसे ही लेटे रहो, मैं दक्षिण की यात्रा पे जा रहा हूँ और उधर से जब लौट के आऊँगा तब उठना. और गुरु जी फिर लौट के आए नहीं और विंध्याचल पर्वत ऐसे साष्टांग लेटे हुए हैं. आप देखेंगे मैप में विंध्याचल पर्वत की जो माउंटेन रेंज है वो यूपी एमपी और महाराष्ट्र के नासिक तक फैली हुई है. तो इतना फैलाव इनका मतलब क्षेत्रफल में आपको सबसे बड़ा यही मिलेंगे. एक समय था ये ऊंचाई पे सबसे बड़े थे. मैं जा रहा हूँ अष्टभुजा टेम्पल और अष्टभुजा देवी मुझे अभी मालूम पड़ा कि कृष्ण भगवान की बहन है तो इसलिए आई एम लिटिल बिट मोर एक्साइटेड टू गो एंड गेट हर ब्लेसिंग.
ये पहाड़ है, पहाड़ गुफा जी, गुफा है ना ये। पहले जी माता रानी का आशीर्वाद, अब ढेर सारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना है। आपका शुभ नाम? एली। एली जी, एली अब्राम। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। इनका नाम योग माया है जी। आठ भुजा होने के कारण इन्हें माँ अष्टभुजा कहा जाता है। ये माँ अष्टभुजा के नाम से प्रचलित है। ये यशोदा जी की सातवीं कन्या, श्री कृष्ण की बहन। कंस अपने मृत्यु के डर से यशोदा जी के सारे पुत्र पुत्रियों का वध किया था, तो इनका भी वध करने के लिए ये मारना चाहा। उनके हाथ से ये उड़ गई, आकाशवाणी उड़ गई ये, हाँ उनके हाथ से छूट गई, हाँ, और आकाश में जाकर भविष्यवाणी की कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है भगवान श्री कृष्ण। और फिर उसके बाद जब देवताओं ने इनसे कहा कि आप अपने लोक में चलिए, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम कुछ दिन विंध्य पर्वत पर निवास करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लोक में आएंगे। ये माँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत अभी भी बहुत ऋषि मुनि पहाड़ों में कंदराओं में भी तप करते रहते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ करने वाला, हाँ, जो पुण्य प्राप्त होता है, कम से कम आप किसी और क्षेत्र में कीजिएगा और जो यहाँ कीजिएगा तो उसका 100 गुना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा, फल प्राप्त आपको मिलेगा, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है ये। हाँ, करेक्ट। और ये एक ही बड़ा गुफा, हाँ, ये एक ही पत्थर का है, एक पत्थर, एक स्टोन। हाँ। आपका नाम? हमारा नाम है सीएम चतुर्वेदी। आप करोगे? और ये ओदी, ये देखो ओके, आप थोड़ा सा उठाइए ऐसे। हाँ। और फिर इसको ऐसे कर लीजिए। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, एक सेकंड। ऐसा क्या? हाँ, एक नंबर। चाय, लगता है ऑलरेडी पीछे से तो बोल रहा है। कहाँ जाए तुम? मिल गए मुझे मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक। Oh my god, it looks so yummy. धन्यवाद। Yum. कमेंट्स में लिखो अगर आप कॉफी लवर हो या चाय लवर।